Network of India, which is one of the organizations that has collaborated for this particular report. And now, in a short while, we will launch the report, but I would also like to express, I request the panelists to keep your statements short, because due to COVID protocols, we have a very short window here at Press Club, so we don't have a lot of time. We need to wrap this up by 2 to 2:30. So if we speak short, then everybody gets an opportunity to speak and ask questions. So I'll now hand it over to Avinash for the report launch. तो अगर एक बार ये रिपोर्ट फॉर्मली हम लोग हर एक बस्ती के महिला बच्चे बुजुर्ग उसमें शामिल हुए, कोविड काल में भी ये अभियान चलता रहा और कोविड काल में कितने बसों की हालत कितनी खराब थी वो आप समझ सकते हैं। तो ये उसी का परिणाम है। फिर बाद में आगे चल करके हमारे साथी दिन के साथियों से हम लोग का एक संपर्क हुआ, हम लोग इसको भी जानते थे और हुआ कि क्यों ना इसको और दूसरे तरीके से भी स्टडी किया जाए। तो इन्होंने फिर कंप्यूटर फीडबैक लिया और ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने है। तो पूरा संदर्भ है कि रिक्लेम दी बस का कैंपेन क्यों हुआ। मैं एक लाइन और बता दूं कि जो समनेट है वो एक नेशनल लेवल का नेटवर्क है जो अर्बन ट्रांसपोर्ट पे है, और दिल्ली में हम लोग रिक्लेम दी बस नाम से कैंपेन चला रहे हैं और भारत के अलग अलग शहरों में कितना है वो कंपनी का नाम, 50,000 उन्हें 100,000 की आबादी पे होनी चाहिए। और ये हम लोग नहीं कर रहे हैं बल्कि सरकार का ये वादा है कि 100,000 की जहां आबादी होगी तो वहां मिनिमम 50 बसें होनी चाहिए। 30 नाम से कंपेन चल रहा है और इसके काफ़ी अच्छे परिणाम आ रहे हैं, लेकिन अभी भी वो जो परिणाम आ रहे हैं वो लोगों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। हम लोगों ने भी पिछले 7-8 सालों से एयर पोल्यूशन पे कैंपेन किया है और अक्सर सारे सॉल्यूशन सारी बातें जो है वो ऐसा कहिए कि दुर्भाग्य है, अनफॉर्चुनेट है कि, और इस अगर आप डेटा उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग 30-40% जो है दिल्ली की हवा जो खराब हो रही है उसका सीधा सीधा ट्रांसपोर्ट सेक्टर से संबंध है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं होती है। हालांकि हमारे पास और राहुल जी हैं, सोमिया दा हैं, ये लोग बताएंगे कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो ना सिर्फ एयर पोल्यूशन कर रहा है बल्कि क्लाइमेट चेंज को भी बढ़ा रहा है। दूसरा, इस रिपोर्ट को करने से पहले मुझे भी पर्सनली नहीं पता था कि इतने सारे सारी संख्या में लोग पब्लिक बस का इस्तेमाल करते हैं। और ठीक है, हम लोगों ने चैलेंजेस को हाईलाइट करने की कोशिश की है, लेकिन ये भी एक बड़ा फैक्ट है कि बहुत बड़ा जो वर्किंग क्लास है दिल्ली का उसको बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है पब्लिक बस की वजह से। हमने ऐसी महिलाओं से मिले, हमारे वॉलंटियर्स बताएंगे, ऐसे लोग हमें मिले जिनका लाइवलीहुड चॉइसेस जो है वो काफ़ी बढ़ गया चूँकि दिल्ली में महिलाओं के लिए पब्लिक बस फ्री हो गया। ऐसे लोग हमें मिले जो बताते हैं कि वो कभी मेट्रो उन्होंने देखा ही नहीं क्योंकि उनके लिए बहुत एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है मेट्रो। और अगर आप ऐसे मेन स्ट्रीम डिबेट में देखेंगे तो मोस्टली पब्लिक बस का जो मुद्दा है वो बहस से पूरी तरीके से गायब है। तो हमारी ये कोशिश है कि हम इस मुद्दे को रखें। हमारा, आप अगर रिपोर्ट में देखेंगे, बहुत क्लियरली लोगों ने कहा है, 80% लोगों ने कहा है कि ये जो महिलाओं के लिए बस पास फ्री है वो काफ़ी अच्छा है। जबकि अगर आप याद करें, जब फ्री बस घोषित किया गया था, अनाउंस किया गया था, तो इवन मीडिया जो है वो इस तरह से प्रोजेक्ट कर रही थी कि ये तो बहुत मुफ्तखोरी जैसा एक नैरेटिव बनाया जा रहा था सोशल मीडिया पर भी इसी तरह का, लेकिन जो बस यूज करने वाले लोग हैं वो इस फैसले को अप्रिसिएट कर रहे थे। अभी 40% जो रिस्पोंडेंट हैं उन्होंने कहा कि आइडियली बस जो है सबके लिए फ्री होना चाहिए। तो ये साफ साफ है कि जो वर्किंग क्लास है, जो सबसे बड़ा तबका है दिल्ली का, मजदूर वर्ग है, कम न्यूनतम वेतन नहीं पाने वाले लोग हैं, उनके लिए बस एक बहुत बड़ी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। और हम समझते हैं कि बस को अगर और मजबूत किया जाए तो इससे हमारा जो एयर पोल्यूशन का मुद्दा है वो भी डेफिनेटली, बहुत सारे और चैलेंजेस भी आए हैं कि
बस स्टॉप्स की हालत बहुत खराब है, टॉयलेट जैसी सुविधाएं महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं है बस स्टॉप के आसपास। घंटे जो है इंतजार के बस की, जबकि जो वेटिंग टाइम है वो भी काफी इंक्रीज हो गया है। और ऑब्वियसली क्योंकि दिल्ली सरकार की खुद की एफिडेविट कहती है कि 11,000 बस दिल्ली को चाहिए और अभी उसका आधा भी हमारे पास नहीं है, तो ये सब समस्याएं हैं। हम उम्मीद करते हैं जो हमारी सरकार है, जो अथॉरिटी है, वो इसको इस पर विचार करेगी, हमारे रिकमेंडेशंस को मानेगी और दिल्ली में बेहतर बस की सुविधा के लिए प्रयास करेगी। हम ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे हमारे अवनी और ध्रुव, वो आके थोड़ा सा अपने अनुभव बताएं क्योंकि उन लोगों ने पूरा लीड किया है प्रोसेस को। या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सो द टाइम हैज कम व्हेन वी हैव टू रियलाइज दिस थिंग एंड बी अ चेंज मेकर। थैंक यू। सॉरी, सो आई वाज सेइंग कि हाउ वी ट्रांसपोर्ट इन अ सिटी इंपैक्ट्स ह्यूमन हेल्थ। और व्हेन वी टॉक अबाउट बसेस, imagine a scenario, you know, imagine a future when we want to minimize our CO2 emissions, when we want to minimize our transport emissions. That future will only be possible with walking, cycling and buses. You need walking and cycling definitely, but you would need buses also, because there would be longer trip distances for which people need buses. So buses have, in future, if we want to achieve that future, buses have a very important role to play. So you know that statement that was given by Prime Minister Modi in Glasgow about for zero emissions future, that future will not be possible without buses. And one thing we always ignore is the amount of walking people have to do to use buses, and that is the key. So if the data that we have looked at, we find that about 20 to 25 minutes is the amount of walking people have to do on either end. So you go to the bus stop, and when you reach the destination, you have to walk again to the destination, and that is very good. So this is good because one cannot walk for 10 kilometers, but when one can walk for certain distance and take the buses, so this is good for physical activity. We would like a future when everybody is walking and cycling. So if you are taking buses, it also gives you an opportunity to walk, and that is good. So that's it is undeniable the role of buses. And I also want to say that we are investing so much in metro. You know, think of many European cities, London for example, they have had metro for 130 years. 19th shatabdi mein they made metro. And if you look at the amount of trips that metro carries, it's about 1/10. 10% ट्रिप्स रहती है मेट्रो में लंदन में, और उससे दुगनी रहती है बसेस की। सो बसेस की इंपॉर्टेंस कभी खत्म नहीं होगी, नो मैटर हाउ मच मेट्रो यू हैव। एंड वो उसका रीजन अभी उन्होंने बताया था कि बसेस अनलाइक मेट्रो कैन रीच क्लोजर टू योर हाउस, दे आर मच मोर फ्लेक्सिबल, दे डोंट नीड अ कॉन्क्रीट रूट टू बी लेड आउट, एंड दैट्स द फ्लेक्सिबिलिटी, दैट्स व्हाट मेक्स बसेस वेरी एक्सेसिबल। And if you look at page number 15 of this report, you will see that a lot of people are traveling by 2 to 5 kilometers by buses. And that is only possible by buses. One would not like to travel 2 to 5 kilometers by metro because you have to spend a lot of time to get to the metro station. So that's very inefficient actually. So let's not fool ourselves looking at the lots of metro infrastructure and think that this will solve the problem. This will not solve the problem. Metro is only a convenient transport when you are traveling long distances. People coming from Gurgaon to Delhi and Noida to Delhi, and all those distances. For short distances, buses is the only key. The other thing is, we are talking about gender a lot, and remember we are deeply gender unequal country. Deeply, if you look at the work participation rate, the difference between women and men, that gap is the highest in the world. The countries which are doing worse than us are Syria, Afghanistan, Pakistan. So this is very wrong. And we have a lot of evidence now that transport is the key for improving work participation rate for women. Because remember, our transport is a very gendered activity. If you look at motorcycle users, 90% of motorcycle users are men.
if you look at car users, 80% of car users are men. So even if your household has a car or a motorcycle, women are left out. और यदि आप दिल्ली में देख यदि आप बस को देखेंगे ये प्रति पैसेंजर किलोमीटर और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जो बड़ा क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़ता है इसमें ग्राउंड लेवल वजन जो आपको लंग्स को और रेस्पिरेटरी ट्रैक को खाते हैं कोरोड करते हैं इसके साथ पार्टिकुलेट्स जो आपको कैंसर ट्यूमर से शुरू करके हार्ट अटैक सब कुछ प्रॉब्लम करते हैं इसके साथ आपको नाइट्रस ऑक्साइड कुछ सल्फर ऑक्साइड्स ये सारे और ये जो पूरा स्मॉग जो हम फेस करते हैं सालों में 5-6 महीना जिस एक जहरीला हवा में रहते हैं इसका पीछे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में प्राइवेट व्हीकल का दिल्ली में आप सब जानते हैं अभी कितना 1 करोड़ 10 लाख हो गया 1 करोड़ 8 लाख 9 लाख क्रॉस कर गया ये प्राइवेट व्हीकल का सबसे बड़ा योगदान परसेंटेज वाइज आप देखें तो कोई भी शहर में इफ़ यू आर लिविंग इन अ सिटी इफ़ यू आर अ सिटीजन व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हाट आर द मोस्ट एनवायरमेंट and a democratic society. These are most important things. And democratic society means a lot of things. Your access to services, access to essentials, everything. तो ये तीन जो भी आपको चाहिए, जैसे राहुल ने बोल रहा था, ऐसे कोई तरीका नहीं है, आप private vehicle-based शहर में, आप ये तीन मिल सकते हैं. आप, मैं करीब 45 से 48 देशों में गया, कम से कम 100 जो, जिसको आप quote-unquote advanced city बोलते हैं. मैंने ऐसे देखा और पिछले 15 साल में जो कॉप जो क्लाइमेट समिट होता है उसमें मैं अटेंड करता हूँ बहुत सारे मीटिंग में 50 मीटिंग में बोल चुका हूँ ऐसे शहर यूरोप में नहीं देखा जो अभी बस छोड़ के प्राइवेट व्हीकल में जा रहा है जो हमसे काफ़ी अमीर शहर है यूरोप में वो सब अभी गाड़ी है लेकिन गाड़ी के छोड़ के प्राइवेट व्हीकल छोड़ के बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जा रहा है जो बड़ा अनऑथराइज कॉलोनी जय जय कॉलोनी झुग्गी बस्ती में जो लोग रहते हैं बस की उन्हें जितनी सख्त जरूरत है लेकिन वो नहीं मिल पा रहा है उनको उनके बीच में जाने पर उनसे बात करने पर निकलता है कि जो ड्यूटी को जाने वाले लोग हैं पहली बार घर से निकलकर पास में बस स्टैंड है पहुंच गए लेकिन उनको ये नहीं पता कि बस मिलेगी कब 1 घंटा 2 घंटा वहां तक की जो टर्मिनल जहां से बस चलती है छोटे छोटे स्टैंड बने वहां जो लोग बैठे हैं बूथ बनाकर बीटीसी ने बिठाया उनको भी नहीं पता होता कि कौन सी बस कितनी देर में यहां से जाने वाली है जो उनके बूथ पर टाइम टेबल लिखा हुआ 10-10 मिनट में जाएगी लेकिन आधा घंटा खड़ा रहने के बाद भी पूछते हैं कि ये वाली बस कब आएगी तो कहते हैं हमको नहीं पता जब आएगी आपको बता देंगे तो एक तो उसका टाइम टेबल जितनी बसें है भी पहले तो बसें है ही कम है लेकिन जो बसें हैं भी उनका भी टाइम टेबल फिक्स नहीं है कई बार बस स्टॉप पे खड़े रहते हैं और घंटे भर खड़े रहे 1.5 घंटा खड़े रहे तब आई तो एक के पीछे एक लगी हुई चली आई वो रेस करते रहते हैं आगे ये निकल जाएगी वो निकल जाएगी और फिर उसके बाद 1 घंटा उस स्टैंड पर कोई बस नहीं आएगी दूसरी चीज है जिस तरह से महिलाओं को बस फ्री किया गया सभी को ना भी फ्री करें लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं जो मार्केट में 8,000, 9,000, 7,000 में आज भी तमाम मार्केट में जाकर के लोग नौकरी कर रहे हैं 9,000 रुपए में 12 घंटा ड्यूटी फैक्ट्रियों में कर रहे हैं उनके लिए संभव नहीं है कि वो मेट्रो वहन कर पाए साइकिल भी आजकल जिस तरह से हो गया है रास्ता है नहीं क्योंकि दुर्घटना का इतना संशय लगा रहता है साइकिल से चलने में दूसरी चीज कार वाले यहाँ तक कि मोटरसाइकिल वाले भी अगर साइकिल पे चल रहा है तो उसे पता नहीं क्या समझते हैं कि कौन सा प्राणी कि झट से गाली दे देते हैं बड़ी बेढंगी गालियां हट गए इधर 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 कहाँ आ गया बिहार से आया कि पूर्बिया आ गया कि कहाँ से आ गया तो इसलिए तमाम लोग जो साइकिल से चलना चाहते हैं वो भी इस वजह से साइकिल से नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि जो उसकी मानसिक हरासमेंट होती है सड़क पे वो उसकी वजह से नहीं चल पा रहे हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको टाइम पर ड्यूटी जाना है 10 किलो 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर और बस का उन्हें पता ही नहीं हम टाइम पर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे तो दो दो लोग मिल करके किसी तरह बाइक लेते हैं मोटरसाइकिल लेते हैं कि हम कम से कम 2 लोग जाएंगे तो मेट्रो से हमको सस्ता पड़ जाएगा तो मजबूरी में 8,000-9,000 भी कमाने वाला मोटरसाइकिल इसलिए ले रहा है क्योंकि उसे टाइम
है ही नहीं कि हमें बस टाइम पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और कभी मिल भी गई तो उसमें भीड़ इतनी है। आज बस में बेशक सीसीटीवी लगा दिया, मार्शल खड़ा कर दिया, लेकिन जेब कतरे आज भी बसों में उसी तरह घूम रहे हैं। अगर आप कहीं स्टैंड पे रुकेंगे अगर 4-6 घंटा तो कोई ना कोई बताता मिलेगा कि हमारा बस, हमारा पर्स या जेब कट गई है। और मार्शल से बोलो अच्छा देख लेंगे किधर है, कहीं मार्शल उधर कोने में होता, कहीं आकर सीट पर एक कोने में बैठा रहता है। अधिकतर बसों में तो मिलता भी नहीं है मार्शल। तो जितनी चीजें कही जा रही है सरकार द्वारा वो जमीन पे लागू कहीं नहीं की जा रही। बस उन्होंने खरीद लिया, लगा दिया और बसें आनी भी है, लेकिन बस सुचारू रूप से चले, लोग उसको इस्तेमाल करें, इसकी तरफ कहीं भी सरकार का ध्यान आज के समय में नहीं है। अगर इसकी तरफ ध्यान होता तो टाइम टेबल होता कि इतने देर बाद इतनी बस आ जाएगी, हो सकता 15 मिनट बाद आए, लेकिन कम से कम 10-15-20 मिनट के गैप में तो आना ही चाहिए बस, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। में आप जाएंगे तो वो बोलेंगे कि हमें बस का कोई साधन नहीं, सुविधा नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हम जाएंगे तो बस का किराया तो देना ही देना है, ऊपर से हम अपने ड्यूटी अपने टाइम पर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे अपने काम पर। अगर आधा घंटा लेट हो गए तो वहां से वापिस कर देता है या फिर आगे काट लेगा। तो इन सब इन समस्याओं पर अगर सरकार ध्यान दे, और जिस तरह से महिलाओं को फ्री किया है स्वागत योग्य बात है, लेकिन जो गरीब तबका बिल्कुल है उनके लिए भी बस फ्री होना जरूरी है। सबको अगर नहीं फ्री कर सकते तो जैसे भिन्न भिन्न जगह उन्होंने सर्वे किया ईडब्ल्यूएस के यहाँ लागू है वहाँ लागू, कम से कम बस में भी वो चीज एक जो है ईडब्ल्यूएस तो बना करके कुछ लोगों को तो ऐसा पास देना चाहिए कि जो फ्री हो, जो बस चेंज करके किसी तरह पहुंच सके। आज क्या है 10-15 रुपए का टिकट वहां तक लिया, 10 रुपए का, फिर थोड़ी देर अगर वो चेंज करते हैं तो 30-35 रुपए फिर उनको पहुंच जाता है। तो ये प्रक्रिया है, तमाम चीजें हम लोगों के बीच में आई है। अगर हम लोग जाते हैं कॉलोनियों के बीच में या फैक्ट्रियों के बीच में ऐसे लेबर क्लास से बात करते हैं तो बस के विषय में तो ऐसा लेबर क्लास हो गया कि बस हमारे लिए है ही नहीं। बस जो भी दे रही है वो अगर हमें पूरा दिन का फुर्सत है तब तो हम क्या कहते हैं बस को इस्तेमाल करें, नहीं तो हमें कोई टाइम टेबल बस